हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स कंज्यूमिंग लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ इंस्टेंटली मीठा खाने का मन कर रहा है और घर में मिठाई नहीं थी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगे और बच्चों को भी पसंद आ जाए और बहुत ही जल्दी बन जाए। तो मुझे तुरंत ये आइडिया आया इंस्टेंट पेड़ा बनाने का। तो इंस्टेंट पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर खजूर लिया, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे खजूर को पीस के पेस्ट बना लिया है, देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें पेस्ट बना लिया है ताकि जो हमारा पेड़ा है वो खजूर की मिठास से ही मीठा हो जाए, उसमें हमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये देख सकते हैं, ये हमारा खजूर पीस के एकदम तैयार हो गया। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे और जार को खाली कर। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, पैन में हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे मदर डेरी का मिल्क पाउडर लिया है, आप इसे डालेंगे। मिल्क पाउडर लेने के बाद अब हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर का ये पेड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत आसान है। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आपके यहाँ जब भी कभी गेस्ट भी आ जाए और आपके यहाँ सामान है तो आप इस पेड़े को ऑप्शन में रख सकते हैं। तो अब हम इसमें और दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने खजूर का पेस्ट बनाया था, अब हम इसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इसका कलर ना चेंज होने लगे। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसे हमें चलाते रहना है क्योंकि नहीं चलाने पर ये नीचे तले में लगने लगेगा। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। मैं इसे जितना चला रही हूँ ये तले में उतना चिपक रहा है, इसीलिए मुझे इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ रहा है और आप भी इसे कंटिन्यू चलाएंगे। मैंने भी इसे जब पहली बार खाया था तो मुझे इतना अच्छा लगा था, लग ही नहीं रहा था कि मिल्क पाउडर से बना हुआ पेड़ा है। वाकई ये बहुत टेस्टी था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। ये देखिए खजूर जो है दूध पाउडर में अच्छे से मिक्स हो रहा है, एकदम डो के फॉर्म में तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको इस तरीके से लेके हाथ में छोटा छोटा इसको पेड़े का रूप देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। अब इस तरीके से हमारा इंस्टेंट पेड़ा बिल्कुल तैयार है। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ये थोड़े हार्ड हो जाएं और आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।